हाय दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं अभी पीसा टावर जा रहा हूँ। ये है दोस्तों, ये है वो पीसा टावर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और मैं ये बता दूँ, जिस तरह से इंडिया में ताजमहल फेमस है, उसी तरह ये भी इटली में बहुत ही फेमस है। और इसकी ओरिजिनल, जैसे कि शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया था, उसी तरह इसको ही लोगों ने बनाया है। लेकिन उसकी रियल आइडेंटिटी इसकी नहीं है, क्योंकि ये जो किसी दो आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया था, और उनमें से एक का नाम है बोनानो पिस्सोनी। और इसके लिए एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि आप अगर देख रहे हो इसको टावर को, तो ये एक साइड में थोड़ा सा बैंड ऐसा दिख रहा है। तो दोस्तों, ये बैंड है, इसके लिए ये बहुत फेमस है, क्योंकि जब इसको ये हिस्टोरी में आया था, तब था 1173 में, वो कोई 12th सेंचुरी में आया था। और उसके बाद से ही ये बहुत ही फेमस है। अपने आप में एक इसकी बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि ये जिस तरह से बैंड है, वो कुछ नीचे से ऊपर तक 15 फीट बैंड है, यानी कि 4.3 मीटर कुछ। तो आप देख सकते हो, ये अपने आप में एक हिस्ट्री है दोस्तों, जैसे कि ताजमहल या फिर और कोई हिस्टोरिक चीज़ है वो फेमस है, उसी तरह से ये भी पीसा टावर इटली बहुत ही फेमस है। आप जिस तरह से देख सकते हो, यहाँ हर रोज़ बहुत क्राउडेड रहता है, हर रोज़ लोग रहते हैं यहाँ पे, आते जाते हैं। आप देख सकते हो किस तरह से लोग यहाँ पे फ़ोटो निकालने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, और हमेशा हर रोज़ इतनी ही गर्दी रहती है। मैं आपको यहीं से दिखा सकता हूँ, क्योंकि अगर वहाँ बीच में जाने की इजाज़त नहीं है दोस्तों, आप विसल की आवाज़ सुन सकते हो, कितना विसल मार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिक्योरिटी है। हमेशा गार्ड्स जो रहते हैं गन से, हमेशा यहाँ से हमेशा गन से जो है गार्ड करते हैं, हमेशा उनकी जो है सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि अपने आप में एक ऐतिहासिक इमारत है ये। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको पीसा टावर दिखाऊंगा। ये था मेरा पीसा टावर का वीडियो। आपको पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और प्लीज़ घंटा भी दबा दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरे अगले वीडियो का। तो फिर दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं आपको कुछ आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ पे, सब तरह से वीडियो लेके। तो चलिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और